पहले दीवार गिरी है, उसके बाद आग लगी। तीन महिलाएं, दो बच्चे हैं और तीन चार बड़े हैं। तीनों ही लोग 30% के लगभग जले हुए हैं। पलवल के वार्ड नंबर 5 मोहन नगर में सुबह करीब 4 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई, जिस समय एक मकान में अचानक से आग लग गई और आग लगने से मकान की छत और दीवार गिर गए, जिससे मकान के अंदर सो रहे परिवार के 4 सदस्य मकान के मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 3 लोग आग में 50-70% तक झुलस गए हैं। 3 लोग बने इंजरी के आए हैं यहाँ पे, उनको फर्स्ट एड वगैरह दे दिया गया है, आगे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फर्स्ट डिग्री बने तीनों को, एक बच्चा भी है जिसको पैर में चोट और सिर में भी चोट है, उनको सबको फर्स्ट एड वगैरह दे दिया गया है और आगे के लिए रेफर कर दिया। तीनों ही लोग 30% के लगभग जले हुए हैं। जिनको चोट लगी है वो 3 लोग हैं, एक बच्चा है और एक जेंट्स है और एक लेडीज है, उसको पैरों में गुम चोट वगैरह है। जो बर्न इंजरी के उनको आगे हायर सेंटर के लिए रेफर है और बाकी को यहीं पर एडमिट किया जाएगा। सविता मोहन नगर, 4 बजे से एक दीवार गिरी है, आग लगी है घर में और बच्चा सब दब गए, मेरे भाई साहब जर गए, दीदी जर गई, गैस थे कैसे लीक ही जन कैसे पता नहीं, बच्चे का सिर फट गया, दीदी के लग गई, भाई साहब हम नहीं गए पता ना, दीदी हरी हमारे तो दीवार थी, आग एकदम दीवार गिरी है, जब आग दिखी हमें तो हम दब गए सब। सिलेंडर 5-6 जने ही हैं आग में, तो ये ज़्यादा जले, हम दीवार में दबे सगरे जने, 5 जने, भगवती है, राजू है, छोरी है सुमन, मेरे बच्चा हैं कुलदीप, ललित है, तरुण है, ये इसके पापा मुकेश, तो आधी दबी है निकल गई। मैं तो पानी डाल रहे थे भाई साहब, ये बुझा रहे थे, हम तो दबे पड़े सब, गाड़ी गई थी आपके। अफरा तफरी व मलबे में दबे लोगों की चीख को सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर पानी डालकर मलबे में दबे लोगों को मलबे से बाहर निकाला। साथ ही आग में झुलसे लोगों को पलवल के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया, जहां पर घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें वहां से रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आग से 45 वर्षीय महिला भगवती 80% तक झुलस गए और महिला का पति राजू 70% झुलसा है। वहीं महिला की 17 वर्षीय बेटी सुमन करीब 30% झुलस गई। वहीं घायलों में कविता और उसका पति मुकेश और मुकेश का छोटा बेटा तरुण भी शामिल है। मेरा नाम लेख राजा जी, ये पड़ोसी यहीं, हमारा घर भी यहीं है। ये सुबह 4-4.25 बजे की बात है, एक गेल हल्की सी आवाज़ आई, ज़्यादा आवाज़ ना आई, ऐसा लगा हमें भी किया है तो कोई ऊपर थे, कोई छत पे थे, कुछ गिड़ो वक्त बाद बराबर में आके देखो तो इनको ये दीवार फट गई और ये इनकी दब गई, फिर आके हमने निकाले, जैसी हमें मदद बनी है। आग भी लगी है, ये कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई गैस से लगी है या चीज़ की तो ना बता सकें, मगर कोई शॉर्ट सर्किट ही हो जाते पूरे घर को हुए हो। इनके 7 लोगों की चोट आई है जी, पहले दीवार गिरी है उसके बाद आग लगी है जी। तीन महिलाएं, 2 बच्चे हैं और 3-4 बड़े हैं। क्या सिविल हॉस्पिटल लगे हैं, सिविल हॉस्पिटल से सब दर्दन कर दिए हैं, भर्ती रेफर कर दिए। मुकेश ये पता नहीं जी, हम तो सब सो रहे थे, 4 बजे की बात थी तो अपना उस घर में अपना आप ही घर में सो रहे थे सब, तो आँच लग गई अपना आप ही घर में, घर ब्लास्ट हो गया था, एक लंग थे दीवार सबरी गिर गई थी, उसमें मेरे 3 बच्चे दब गए थे, मेरे भी लगी थी, बड़े भाई और भाभी जल गए थे। कुछ नहीं पता जी, सिलेंडर लीक हुआ था या सिलेंडर फटा था, कुछ नहीं पता। मैं तो अपने बालक ने बचाने के चक्कर में लिखता था, सबरे दबे पड़े वो निकाले, फिर पानी गिरा था, आँच बुझाई थी, गाड़ी बुलाई भाभी भाभी वाले ले जाने के लिए, गाड़ी आ गई थी उधर, हाँ सीरियस, 2 सीरियस हैं, बड़े भाभी और भैया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है कि आग सिलेंडर से, गैस लीक होने से लगी है या फिर बिजली के शॉर्ट सर्किट से, लेकिन यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि मकान की हालत जर्जर होने के कारण आग लगने के बाद मकान की छत उनके ऊपर गिर गई और जहां 4 लोग मलबे में दब गए वहीं 3 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए। परिवार की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और ये परिवार काफी माली हालत में था, जिसके कारण मकान की हालत जर्जर हो रही थी, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्य इसी मकान में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। पड़ोसियों ने परिवार गरीब हालत को देखते हुए पीड़ित परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पलवल के समाज सेवियों और सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद के लिए कब तक हाथ आगे बढ़ाया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।